कि 35 साल की सर्विस के बाद मुझे ऐसा पहला एक मान सम्मान मिला। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ क्योंकि मेरी ये मातृभूमि है, ये वो भूमि नेशनल पुलिस एकेडमी ने जिसने हमें सब कुछ दिया, जीवन की कला सिखाई, सेवा का मौका दिया और एक इतने सुंदर एक प्रदर्शन का एक देखने का एक और मौका मिला। मैं तमाम टीम्स 18 टीम्स का धन्यवाद करती हूँ कि वो आए, तमाम ज्यूरी का और तमाम ऑफिशियल्स का जिन्होंने इतना समय इतने बढ़िया इवेंट के लिए बताया। ये भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने शक्तिमान को याद किया जिसके बारे में इतनी ज्यादा खबर चलती रही। जब मैं पुलिस एकेडमी में थी तो मुझे हॉर्स राइडिंग सबसे प्यारी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं स्पिरिट के लिए वेट करती थी और हम लोग खूब हंसते भी थे। इनफैक्ट हमारा बहुत सारा आज भी जब बैचमेट्स हम मिलते हैं, अरुणा आपको बताऊंगा आपको कि हमारे सबके घोड़ों के नाम हमको अभी तक याद है और जो जो घोड़े से गिरा था उसका नाम भी याद है और उसका क्या क्या हुआ था वो भी याद है, उसकी टोपी कैसे हिलती थी वो नजर नहीं आता था लेकिन टोपी हिलती नजर आती थी दूर से, ये चक्कू जला गया भाग गया। तो ऐसी ऐसी खुशी की बातें, दोस्ती की बातें हॉर्स राइडिंग की क्लास से ही मिलती थी। हॉर्स राइडिंग में बहुत कुछ गुण मिलते हैं, अगर वो नहीं करें तो नहीं मिलते हैं या कम मिलते हैं, गुण तो उन्हीं दूसरी चीजों में भी मिलते हैं लेकिन जो चीजें मैं समझती हूँ खास हॉर्स राइडिंग से मिलते हैं वो एक अजीब है और वो ज्यादा है, जैसे कि हिम्मत। बिना ये हॉर्स राइडिंग बड़ी हिम्मत सिखाती है, आपको इतनी हिम्मत देती है क्योंकि आपको एक कंट्रोल सिखाती है कि आप इतने बड़े ऊंचे घोड़े को संभाल सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आदेश दे सकते हैं और आपका आदेश मानता है। सो एज ए ट्रेनर आप एक सीखना लगते हैं कि आप लीडर हैं एक ऊंचे हॉर्स की, एक ऊंचे घोड़े की। शुरुआत लीडरशिप की यहां से होती है कि अगर हिम्मत है कि मैं अपने घोड़े का चालक हूं या चालक की हूं, जो भी कहना चाहते हैं। तो सबसे पहला हिम्मत सिखाती है, जो जिंदगी में पुलिस ऑफिसर हिम्मत के बिना वो पुलिस ऑफिसर है ही नहीं। दूसरा डिसिप्लिन सिखाती है, बहुत अनुशासन सिखाती है, बिना डिसिप्लिन के आप घोड़े पर सवार नहीं हो सकते, घोड़ा आपको लात मार देगा। वो पहचानता है कि आप डिसिप्लिन है या इनडिसिप्लिन है, वो खुद भी डिसिप्लिन होता है और वो चाहता है कि उसका घोड़ा, उसका जो सवार है वो भी डिसिप्लिन हो, उसको पता हो कि कैसे घोड़े को चलाना है, कैसे प्यार से उसको ले जाना है, कैसे उसको दिशा देनी है, कैसे उसको आदेश देना है। तीसरा है उसको टीम वर्क सिखाता है, आप उस घोड़े में और वो उस पे टीम वर्क है, तालमेल के बिना आप टेंट पैकिंग कर ही नहीं सकते, ड्रेसिंग कर ही नहीं सकते जब तक आपकी एक आवाज है। तो आपको टीम वर्क सिखाती है और वो समझता है कि मुझे जिताने वाला मेरा घुड़सवार है और सवार जो राइडर है वो जानता है कि मुझे जिताने वाला मेरा घोड़ा है, वो एक दूसरे की कदर करते हैं। चौथा है दोनों मिलकर प्रिपेयर करते हैं, प्रेपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मुझे अरुणा जी ने अभी बताया कि कितने दिन पहले कई टीम मेंबर्स आ गए, क्यों आई, क्योंकि वह घोड़े को आराम देना चाहते थे, घोड़े को फेमिलराइजेशन देना चाहते थे और उसको तैयार करना चाहते थे। ये प्रेपरेशन होती है आपस दोनों में, हार्ड वर्क दोनों मिलकर करते हैं, मेहनत दोनों मिलकर करते हैं। घुड़सवार सोता नहीं है, घोड़े पे बैठ के सोता नहीं है कि मैं सो जाऊंगा तू भागा और तू टेंट पैकिंग कर दे, दोनों की मेहनत बराबर की होती है, हार्ड वर्क होता है, दोनों का लक्ष्य भी एक होता है, उनका लक्ष्य एक ही होता है कि हमें जीतना कैसे है, हमें किस दूर जाना है। सो फ्रेंड्स, और एक और दो चीज और मैं समझती हूँ, बॉन्डिंग बनाता है। ये मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर ने भी बोला कि इट्स अ रिलेशनशिप, इट्स अ बॉन्ड बिटवीन द राइडर एंड द हॉर्स, अगर बॉन्ड नहीं बनता यही सारे गुण। और उसके बाद एक नर्चरेंस भी होती है, आप एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, आप उसको ठीक से खिलाते हैं, हॉर्स को रेस्ट कराते हैं, उसकी डाइट का ध्यान रखते हैं, उसकी मालिश का ध्यान रखते हैं, उसको शाबाश देते हैं, आप एक दूसरे को नर्चर करते हैं तो वो भी आपको नर्चर करता है। इन वे का जब आपको श्रेय मिलती है, आपको क्रेडिट मिलता है। साथियों, यही तो सारे गुण पुलिस डिपार्टमेंट हमारे यूनिफॉर्म में सिखाए जाते हैं कि जाके आप करो, यही तो है हिम्मत, अनुशासन, टीम वर्क, प्रेपरेशन, हार्ड वर्क, लक्ष्य, आपस में एक रिश्ता बांधना और एक दूसरे का नर्चर करना। मुझे याद है
घोड़े में मैंने जितने 9 महीने घोड़ा चलाया राइडिंग सीखी, मैं 9 महीने गिरी नहीं। मेरे घोड़े का नाम था, सफेद घोड़ी थी चांदनी, और मैं गिरी नहीं। 9 महीने में बड़ा अपने आप को समझती थी मैं घोड़े से गिरी नहीं। मेरे बहुत सारे और साथी गिर गए, हम हंसते थे। आपको हैरानी होगी क्या हुआ, लास्ट डे पासिंग आउट परेड हुई, और पासिंग आउट परेड में भी हमारा सब कुछ ठीक हुआ, कुछ नहीं, कोई गिरा बुरा नहीं। मेरे हस्बैंड अमृतसर से आए एक छोटा सा कैमरा लेके, उन दिनों में ब्लैक एंड व्हाइट का कैमरा होता था, छोटे से मिलीमीटर का, वो आए और उन्होंने बोला कि तू अब थोड़ी घोड़ी चला, मैंने तेरी फोटो ले ली। तो वो जैसे फोटो लेने लगे, मैंने चांदनी को चलाया और चांदनी ने मुझे गिरा दिया, और वो फोटो का कैमरा मेरे हस्बैंड उसको देख के उनके हाथ से कैमरा गिर गया। और आज भी वो फोटो मैं हवा में लटकी हुई हूँ उसी में, चांदनी ने मुझे हवा में लटका दिया, उसने मुझे दिशा दिखा दी कि असली घोड़ा कौन था, असली जिताने वाला उसको कौन था। मुझे उसने वापस एक ह्यूमिलिटी का आदेश दिया, एक संदेश दिया कि गुमान करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे घर वालों के सामने करो या बाद में। तो साथियों हमारा मैं इस ऐसे प्रदर्शन को देख के बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि मेरी नेशनल पुलिस अकेडमी, हम सबकी नेशनल पुलिस अकेडमी एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस बन गई है। इसमें हर तरीके की फैसिलिटी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको दी है। मैंने ऐसी कोई भी अकेडमी दुनिया में नहीं देखी। मुझे मौका मिला है दुनिया भर में जाकर देखने का, पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग अकेडमीज को देखने का। मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ ऐसी पुलिस अकेडमी दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं, कहीं भी नहीं, और ऐसी लीडरशिप भी कहीं नहीं है जो इतना प्यार से काम करती है, इतना स्नेह से, इतना तन मन से काम करती है और इतना ध्यान से काम करती है। ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना कमिटमेंट कहीं नहीं, ये मेरे भारतवर्ष में ही है। तो आपको मैं मुबारक देती हूँ कि आपने इतनी सुंदर तरीके से इक्वेस्ट्रियन मीट तब बनाई। तमाम ऑफिशियल्स, जूरी को, पार्टिसिपेंट्स को, टीम मेंबर्स को, ऑर्गेनाइजर्स को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और फाइनली अरुणा बहुगुणा को फिर से धन्यवाद कि उसने मुझे यहाँ याद किया। कोई बात नहीं, 35 साल की सर्विस के बाद ही सही। धन्यवाद, जय हिंद। May I now request and Joint Director Basic Course and Research, Shri Rajiv Sabharwal, to formally propose Board of Equestrian Team Flag will be drawn down. The order of the report control board flag is drawn down by Inspector Uday Bhansuri and will be received by the Team Chair, Dr. Kiran Bedi.